शुक्रिया, आपने अकेले ही इतनों को मारा। रियली ग्रेट। और एक्शन में एंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छे से मिक्स किया। मुझे एंटरटेनमेंट बहुत पसंद है। ओए, यहाँ वहाँ क्या घूम रहा है, बैठ नहीं सकता क्या? मुझे अर्जेंट हैदराबाद जाना है, बैठ गया तो कैसे पहुँचूंगा? उस वक्त अगर आप वहाँ नहीं होते तो मेरा क्या होता, ये सोचकर ही डर लगने लगता है। डर किस बात का? लड़कियाँ तो सेलफोन की तरह होती है और लड़के सेलफोन टावर की तरह। आपका नेटवर्क बना रहे इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सेल टावर से याद आया, हमारी छत में टावर लग रहा है, उससे कुछ होता तो नहीं ना? रेडिएशन आते हैं, किराया आता है ना? शायद आपको रिस्क लेना बहुत पसंद है। बुखार आता है तो लोग टेबलेट लेते हैं और भूख लगती है तो खाना खाते हैं, जरूरी है। आप इतना डिसअपॉइंट क्यों हो रहे हैं? जब तक अपॉइंटमेंट फिक्स ना हो जाए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो होता ही है। अपॉइंटमेंट से याद आया, मेरी बीबी का डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, भेजूं क्या? हाँ भेज दो, अच्छा है। मेरी बीवी अच्छी नहीं है, भाग गई तो सिर फोड़ दूंगा तेरा। गाड़ी फूटी हुई है, अच्छा है उसे देख लो। अरे अरे, मेरी वजह से ही फूटी है। अरे कोई बात नहीं, मेरी दादी ने मुझे जन्मदिन पे गिफ्ट की थी। इंसान का टाइम खराब हो तो टाइटन वॉच पहन के भी कोई फायदा नहीं होता। नंदू, नंदिनी, राम, राम बाबू, शरद, शरद बाबू, गला दबा दूंगा। अरे हाँ, वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे? दोस्त की शादी के लिए विजयवाड़ा आई थी, एक दिन हम दोनों शॉपिंग करने गए। बहुत नखरे हो गए हैं, तेरा मेडिकल में एडमिशन मैंने अपने पिता से बोल के करवाया, उसके लिए पैसा मांगा क्या? 10 मिनट के लिए क्या बोला और तूने पुलिस कंप्लेंट कर दिया? मुझे जाने दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तुझे मालूम है ना मैं विजयवाड़ा का यूथ लीडर हूँ। आखिरी बार अपनी सूरत देख ले, फिर ये देखने लायक नहीं रह जाएगी, देखते ही डर जाएगी। एसिड से कीड़ों मकोड़ों को ही नहीं, क्रिमिनल्स को भी डरा सकते हैं। काम तो आपने बिल्कुल सही किया, तो फिर डर क्यों नहीं है? मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन उस सिचुएशन में मैंने कर दिया। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो तो अस्पताल में आराम कर रहा है, आप मेरे साथ मेरे गांव में चलिए, फिर वो आपको कैसे ढूंढेगा? ढूंढने का क्या, ढूंढ भी सकता है। तो समझ कर बोलना, मेरे पैरों के पास जो काला बैग रखा है वो तुम्हारा ही है? मेरा ही है। तुम्हें पता नहीं है, मैंने उसे बाहर फेंक दिया। ट्रेन किसी के रोकने से नहीं रुकती, स्टेशन आने पर रुकती है। चुपचाप सो जाओ। देखा आपका टेंशन कैसे खत्म हो गया? हाँ। आराम से सो जाइए, वैसे उसके पास एक तरीका है आपको पकड़ने का। कौन है ये? उसका लवर है शायद। पॉलिटिक्स में मेरे को 30 साल का अनुभव है, 300 मर्डर का रिकॉर्ड है मेरा, इसके बावजूद मेरे आदमियों को मार कर अभी तक जिंदा क्यों है? क्यों रहे? नॉमिनेशन डालने के लिए लीडर जाना चाहिए और मारने के लिए गुंडे जाने चाहिए। फिर भी लड़की को मारने के लिए गन और चाकू ही बहुत होता है, लेकिन तुमने, मैं सीट डालूंगा डैडी। अब देखो क्या हुआ। डॉक्टर, पैसे ज्यादा लो लेकिन समय कम लो, मेरा बेटा जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। जरूरत नहीं है पिताजी, जिसने भी मेरा ये हाल किया है जब तक उसे सबक नहीं सिखाऊंगा मैं ऐसे ही रहूंगा। तुम लोग अभी खड़े क्यों हो? जाओ उसे पकड़ कर ले आओ, अगर कोई बीच में आया तो उसे खत्म कर दो। ठीक है भाई।